हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम एम्स के उन यूजी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो एमबीबीएस के अलावा करवाए जाते हैं। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ये कौन से कोर्सेज होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है और इनके कोड जनरेट व फाइनल रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, एम्स द्वारा एमबीबीएस के अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नर्सिंग कोर्स के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग व बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है। पैरामेडिकल कोर्स के लिए इसमें बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स करवाया जाता है। अब हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में स्टडी करवाई जाती है वो एडवांस स्टडी करवाई जाती है। इसमें कुछ सिलेबस थोड़ा एडवांस होता है, सिखलाई अच्छी होती है, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, सिलेबस बीएससी नर्सिंग की बजाय थोड़ा लॉन्ग होता है और लर्निंग सिस्टम मॉडर्न होता है। ये यूजी कोर्सेज बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से एडवांस होता है। दोनों ही यूजी कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्स थोड़ा एडवांस है इसमें। अब हम बात करते हैं कि इनका शेड्यूल क्या है, कब हमने कोड जनरेट करना है और कब इनका फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2018 से स्टार्ट हुआ था और ये क्लोज हो गया था 3 जनवरी 2019 को। यह है बेसिक रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस के लिए और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए सेम था। यानी एक ही बेसिक के रजिस्ट्रेशन से हम ये तीनों चारों कोर्स के लिए, यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन, और एमबीबीएस के तो कोड जनरेट होके फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा। अभी बात करते हैं हम इन कोर्सेज के बारे में। तो अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो रखा है जो 22 जनवरी 2019 तक था, ये अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसकी अपलोडिंग इन कोर्सेज की प्रोस्पेक्ट की जो डेट है वो 12 मार्च 2019 थी, लेकिन अभी तक ये प्रोस्पेक्ट अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही ये अपलोड होगा इन कोर्सेज के लिए, मैं आपको सूचित कर दूंगा। अब एमबीबीएस के अलावा जो ये बाकी कोर्सेज हैं, इनके बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद, इनका अभी कोड जनरेट होगा और कोड जनरेट के बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में पेमेंट ऑफ फीस होगा और सीटी च्वाइस होगा, जैसे इसमें हुआ था, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए हुआ था इसमें। तो यहाँ पर हम इनका शेड्यूल देखें तो इसमें जो जनरेशन ऑफ कोड ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2009 ओनली फॉर दोज हु बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। तो ये स्टार्टिंग डेट है इनकी 14th मार्च 2019 और क्लोजिंग डेट है इनकी 25th मार्च 2019 शाम 5 बजे तक। तो आपको ये कोड जनरेट कर लेना है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा उसमें पेमेंट ऑफ फीस एंड सीटी च्वाइस होगा, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनका कोड जनरेट हो रखा है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 29th मार्च 2019 है और क्लोजिंग डेट है वो 5 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे तक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कोड जनरेट कर सकते हैं 14th मार्च से, और 29th मार्च से आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका। इन कोर्सेज के लिए जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, वो एम्स की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे 16 मई 2019, यानी कि 16 मई 2019 को ये अपलोड हो जाएंगे
एडमिट कार्ड। इनके बाद जो इनका एग्जाम शेड्यूल है वो इस प्रकार से है, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, इसमें देखो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए एग्जाम डेट है 1 जून 2019, 1 जून 2019 है इसकी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए एग्जाम डेट, और ये 10 बजे से 11:30 बजे तक सुबह होगी। इसके बाद में जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एग्जाम डेट है वो 15 जून 2019 है, यानी 15 जून 2019 है, 10 बजे से 11:30 बजे तक टाइम सेम है। इसके बाद में जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की एग्जाम डेट है वो 23 जून 2019 है, 10 से 12 बजे तक ये 2 आवर्स की एग्जाम होगी दोपहर में। तो इस प्रकार से ये एग्जाम शेड्यूल है, तीनों कोर्सेज का अलग अलग शेड्यूल है इसमें, और टाइमिंग इसमें सेम ही है 10 बजे से। इसके बाद भी हम देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है इनका, कौन कौन इससे स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए। अभी हम सबसे पहले बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देखते हैं। तो इस कोर्स के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th क्लास पास कर रखी है 10+2 स्कीम में, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उनके पास में, या इंटरमीडिएट साइंस पास कर रखी है, या इसके इक्वल में कोई एग्जाम पास कर रखी है किसी भी स्टेट से। उसके जो सब्जेक्ट पासिंग सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए, और जो इनकी मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, इनकी परसेंटेज होनी चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 55% एग्रीगेट होना चाहिए, और 50% एससी एसटी कैटेगरी में होना चाहिए। यानी इन चारों सब्जेक्ट को मिला के इनकी परसेंटेज जनरल ओबीसी की 55 और एससी एसटी की 50 होनी चाहिए। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि 55 या फिर 50 होना चाहिए। इन चारों सब्जेक्ट का टोटल ही 55 और 50 एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के दोनों स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए इसमें, और सब्जेक्ट वही है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसकी जो एग्रीगेट मार्क्स हैं इसके 50% जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, और 45% मार्क्स चाहिए एससी एसटी कैटेगरी को इसमें। इसके बाद में देखते हैं हम पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए ये ऑलरेडी जिन्होंने जेएनएम वगैरह कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ये 2 साल का कोर्स है, तो इसमें सबसे पहले कंडीशन ये दे रखी है कि जिन्होंने 12वीं क्लास पास कर रखी है, और इसमें 10+2 स्कीम से, और जिन्होंने 1986 से पहले 10+1 स्कीम, जो पहले 1986 से पहले 10+1 स्कीम होती थी उससे पास कर रखी है, वो भी इसके लिए इलिजिबल हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। इसके बाद में इसमें आगे दे रखा है कि डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम में, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जीएनएम में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आरएन और आरएम में। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। तो ये जानकारी थी कि आपने कब इनका रजिस्ट्रेशन करना है और कौन कौन से इसमें कैंडिडेट इलिजिबल हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही ये कोड जनरेट का स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आपने कोड जनरेट करना है।
तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।